Hello dear students, let us solve this question. The magnetic field on the axis of a circular loop of radius 100 cm carrying current I equals to root 2 amperes at point 1 meter away from the center of the loop is given by. तो हमारे पास एक लूप है, करंट कैरिंग लूप है ये. इसमें करंट हमको गिवन है रूट टू एम्पियर्स का करंट फ्लो है. रेडियस गिवन है 100 सेंटीमीटर. इसके एक्सियल पॉइंट पे जो कि डिस्टेंस है 1 मीटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी हमको पता लगानी है. सो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लूप एट इट्स एक्सियल पॉइंट इज गिवन बाय म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे ये एक्स कर देता हूँ मैं इसको, इसके सेंटर से जो डिस्टेंसेस को एक्स इक्वल्स टू 1 मीटर कर देता हूँ. तो यहाँ पे बस मेरे को वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है. म्यू नॉट की जगह वैल्यू आ जाएगी 4 π × 10⁻⁷. करंट है मेरे पास रूट टू है ना, और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब इसकी रेडियस का स्क्वायर. रेडियस है इसकी 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर तो 100 का स्क्वायर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻². 10⁻²² का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴. टू एज इट इज, आर अगेन इसकी रेडियस है. मैं कैपिटल आर कर देता हूँ, रेडियस इसकी कैपिटल आर है. और हमारे पास अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर, तो ये पूरा आर स्क्वायर कर रखा है, सेम आर स्क्वायर यहाँ पे करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स मतलब ये वाली डिस्टेंस, विच इज 1² × 3/2. इसको सॉल्व करेंगे तो 100 का स्क्वायर यानी कि इसको 10⁴ भी लिख सकता हूँ. 10⁴ × 10⁴1 ही हो जाएगा, सेम ये भी 1 हो जाएगा. तो हमारे पास क्या आएगा सॉल्व करने में, न्यूमिनेटर में ये तो पूरा 1 हो गया, यहाँ पे रूट 2 बचा है ना, इधर हो जाएगा 1² ये तो पूरा 1 ही हो जाएगा आपका, और ये तो 1 है ही, तो 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे. ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 2π बचेगा, रूट 2 एज इट इज आ जाएगा, 10⁻⁷ एज इट इज आ जाएगा. अच्छा, ये वाला अब ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है. एक्चुअल में ये मैंने जो लिखा ना 1 + 1³, तो ये 1 + 1³ एक्चुअल में हो जाएगा 2³, और एनीथिंग टू द पावर 3/2 कैन बी रिटन एज दैट नंबर इंटू रूट ऑफ दैट नंबर. अगर 3³ होता तो 3√3 हो जाता, ठीक है. तो ऐसे ही 2³ 3/2 2√2 हो जाएगा. फिर से 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, √2 से √2 कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा π × 10⁻⁷. तो पाई की वैल्यू है 3.14 और 10⁻⁷ एज इट इज आ जाएगा. सो इन टेस्ला दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू फॉर